अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का वक्त है और हम लोग तो बच्चे दोनों सो रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड उठ गए हैं। और आज मैं दो दिन का ब्लॉग डालूँगी, मतलब संडे और मंडे का, दोनों का भी ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बनानी नहीं थी मैंने, मतलब बना नहीं पा रही थी वीडियो में, इसकी वजह से थोड़ा सा भी दिक्कत सी हो रही थी मुझे की तबीयत को लेकर, थोड़ा ऐसे ही मूड अच्छा नहीं था तो इसकी वजह से, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। तो अब ऐसा कर रही, दो दिन की वीडियो मतलब डाल देती हूँ मैं एक साथ बना के एडिट करके, उसके बाद ये रूम वगैरह मैं झाड़ू लगा लूँगी और किचन में जो साफ़ करना है थोड़ा सा। आज यूजर मेरे पास ही बैठे हुए हैं, वीडियो मैं बना रही हूँ तो देख रहे हैं। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, थोड़े से बर्तन हैं तो वो दोनों किचन मैंने साफ़ कर लिया है। और अभी डॉक्टर वगैरह कुछ कह नहीं रहे हैं उजैर के लिए क्योंकि उन्होंने अब जुमे रात में बुलाया, मतलब थर्सडे में बुलाया उन्होंने, तो उसके बाद फिर मैं जब मैं थर्सडे में दिखाने जाऊंगी तो मैं डॉक्टर से बात करूंगी क्योंकि मुझे बहुत पूछना है उनसे, मतलब इतना लंबा टाइम क्यों दिया टेस्ट के लिए। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे मिट्टू का पिंजरा ठीक कर रहे थे, थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा ही गंदगी करते हैं मिट्टू, बस इसके लिए इसके नीचे ही कपड़ा लगा दें जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आएगा और उसी में रहेगा, मतलब बच्चे को खेलने। और ये हमारी गुड़िया है जो वो पलट के रोने लगती है, पलट जाती है, पलटने लगी माशाल्लाह तो रोने लगती है। और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल। और मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ही सारी पौधे एक साइड इधर कर दिए, एक साइड से ऊपर से, मतलब चेंज करा, इनके डायरेक्शन चेंज कर दिया, आधे इधर शिफ्ट कर दिए, इधर के इधर शिफ्ट कर दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मतलब माशाल्लाह अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फिर और फिर मैं अंदर जब मैं बाहर आई थी तो देखो फिर पलट गई थी और ये अब रोना शुरू करेगी, थोड़ी देर में ही रोना शुरू कर देगी, इसके बाद ये शांत हो गई। अब देखो जैसी पलट जाती है रोने लगती है, अपने आप ही पलटती है फिर रोने लगती है। फिर उसके बाद हम लोग कब खाना वगैरह खा लेंगे। खाने में मैंने बताया आपको दाल चावल तो करके खाने में मैंने बनाया है दाल चावल और चटनी बना रही है टमाटर की। बच्चों को बुला रही, मेरे हस्बैंड सिर्फ नमाज पढ़ने गए हैं, नमाज पढ़ के आते ही होंगे, इसमें मैंने खाना लगा दी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो कड़ी मसूर की दाल और चावल बनाए हैं मैंने। बच्चों को मैं बुला रही हूँ खाने के लिए, वो टीवी में लगे हो रहे हैं। टाइम हो रहा है 4:30 बजे जा रहे हैं और मैं बना रही हूँ, इसमें सब्जी काट रही हूँ, अभी बना नहीं, बना काट के रख दूँगी। और पी है मैंने चाय अभी और चाय रखी हुई है। और ये देखो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू और गोभी की सब्जी से सब्जी काट के आज मैंने यहीं बैठ के काटी। और अभी टमाटर कितना फ्रेश फ्रेश हरा हरा धनिया है और इसमें टमाटर कितने लाल, कहाँ टमाटर बिक रहे थे कितने रुपये किलो, 150 से 200 रुपये किलो बिक रहे थे और अब हर चीज़ का टाइम होता है। और ये मैंने सब्ज़ी काट ली है, सर्दियों की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हरी हरी रहती है और ठंड अच्छी रहती है, मतलब मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये गोभी को मैंने पहले गर्म पानी में डाल दिया थोड़ी देर क्योंकि इसमें होते हैं कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पता नहीं चलता कभी हम, वैसे तो मैंने बहुत साफ तरीके से काटा है लेकिन फिर भी इसमें होते तो गुनगुने पानी में डाल, गर्म पानी में डाल देना चाहिए जिससे अंदर कुछ हो तो मतलब साफ़ हो जाएगा, कीड़े वगैरह कुछ हो तो। और इसको मैं गर्म पानी से निकाल के फिर इसको पहले इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके इसके मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हर तरीके से बनाती हूँ, कभी बिना फ्राई भी करके बना लेती हूँ, इस तरीके से भी बना लेती हूँ। और कई दिन से मैं कोई वीडियो खाने की वीडियो भी नहीं डाल लेती जैसे, और इस तरीके से मतलब बना नहीं पा रही थी। और बस आज मैंने सोचा लाओ थोड़ी सी इस वीडियो भी बना लेते, वैसे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी शेयर कर रखी है आप लोगों से, पहले मैं इसको फ्राई कर लूँगी, इतने मेरा तेल गर्म हो रहा है। तो मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में ही लाल मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर मिला के और नमक मिला के रख दिया और एक साथ ही मैं तो सबको भूनूँगी। और इसमें अदरक का बहुत मतलब अदरक जरूर चाहना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना थोड़े बादी वाला होता है, ये बादी होती है तो इसकी वजह से इसमें अदरक जरूर, अदरक और हींग का तड़का लगा, अदरक डालो हींग का तड़का लगाओ तो बहुत ही, हींग और जीरे का तड़का लगाओ बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से बनाने से। और मैं फिर इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में, देखिए थोड़ा सा तेल डाल के आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें कुछ ही और इसमें मसाले डालते हैं,
भून लिया, इसमें गोभी डाल दी और हम ये पानी डाल दिया, बर्तन धो लेते हैं।